आज बनाते हैं फाइबर और प्रोटीन से भरपूर स्प्राउट्स जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले चना और मूंग को भिगो देंगे और एक दिन के लिए इसको रख देंगे जिसे ही उग जाते हैं। और फिर एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसमें जीरा डालेंगे और कटे हुए प्याज डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद में इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंच रहेंगे तो इसमें स्प्राउट्स में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर इसको अच्छी तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद में जो स्प्राउट्स भिगे हुए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद में इसको भी अच्छी तरह मिला देंगे। अब इसमें आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और एक चम्मच इसमें चाट मसाला डाल देंगे और एक चम्मच इसमें अमचूर डाल देंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, आप चाहो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो, क्योंकि इसमें हरी मिर्च डाल दी तो ज़्यादा इसमें मिर्च की ज़रूरत नहीं रहती है। और फिर इसके बाद में इसमें आधा कटा हुआ नींबू डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। बन के तैयार है स्प्राउट्स। अब इसमें कच्चा पनीर, प्याज, टमाटर डाल दोगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और बन के तैयार है स्प्राउट्स, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। थैंक यू, इन्जॉय।